हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और शानदार भी होंगे ना तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्बर्ट एंड एडवेंचरस बॉय एक एडवेंचरस बॉय की स्टोरी सो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द लेसन दिस दिसन स्टेज अबाउट अ फादरलेस बॉय नेम्ड एल्बर्ट वन डे हिज मदर सेंट हिम टू गिव सम मनी टू हिज ग्रैंड मदर एल्बर्ट प्रिंटेड द मनी इन साइड हिज पॉकेट एंड गोट इन टू द पिक पॉकेट टूक अवेज मनी वाइल ही वॉज डिपोजिटिंग इट इन अंक एल्बर्ट गॉट हेम अरेस्टेड विद द हेल्प ऑफ हिस्स फ्रेंड्स एल्बर्ट वॉज रिवॉर्डेड बाई द लोकल पुलिस वेरी गुड तो ये स्टोरी बेस्ड है ये चैप्टर जो बेस्ड है वो एक फादरलेस बॉय से रिलेट करता हुआ है जिसका नाम है एल्बर्ट एक बार उसकी मदर जो होती है वो ग्रैंड मदर को पैसे देती देने के लिए उसको पैसे देती है किसको देगी एल्बर्ट को पैसे देती है कि वो सेफली उन पैसों को ग्रैंड मदर तक पहुँचाए तो एलबर्ट जो होता है वो उन जो पैसे मिलते हैं उसको वो अपने पॉकेट के अंदर डाल लेता है और ट्रेन में चला जाता है लेकिन ट्रेन के अंदर क्या हुआ एक पिक पॉकेट मतलब एक क्या होता है जो जेब कतरा जिसको बोलते ना जो पैसे निकाल लेते जेब से वो उससे टकरा जाता है और उसके पैसों को ले लेता है तो जैसे ही वो बैंक में जा रहा होता है तब उस टाइम पे इस दौरान ये घटना घटित होती है किसके साथ एल्बर्ट के साथ तो एल्बर्ट क्या करता है उसको अरेस्ट करा देता है अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेकर और जब वो अरेस्ट कराते हैं और इस काम में मिशन में जब सक्सेस मिलती है उनको तो वहाँ की जो लोकल पुलिस होती है वो उनको रिवॉर्ड देती है मतलब उनको इनाम भी देती है किसको एल्बर्ट को सो लेट्स बिगिन द चैप्टर इन अ स्मॉल टाउन लिव डबू आई नेम्ड एलबर्ट विद हिज मदर ही डिड नॉट हैनी ब्रदर और सिस्टर एंड हिज फादर वॉज डेड हिज मदर वर्कड वेरी हार्ड फॉर द लिविंग तो एक स्मॉल टाउन के अंदर एक छोटा बच्चा रहता है जिसका नाम था एलबर्ट वो अपनी मदर के साथ रहता है लेकिन उसके साथ ना तो कोई उसका सिस्टर है ना ब्रदर है और ना ही उसके फादर है क्योंकि फादर की डेथ हो चुकी है और उसकी मदर जो है वो अपने जीवन यापन के लिए बहुत हार्ड वर्क करती है ऑन हॉलीडे एल्बर्ट्स मदर डिसाइड टू सेंड एल्बर्ट टू द सिटी टू स्टे विद हिज ग्रैंड मदर एल्बर्ट मदर गिव हिम सम मनी फॉर हिज ग्रैंड मदर एंड सम फॉर हिम टू स्पेंड इन सिटी हिज मदर मनी एंड बी गुड सो फर्स्ट हॉलीडे पर एलबर्ट की मदर जो डिसाइड करती है बेटा क्या करती है कि एल्बर्ट को सिटी पे भेजा जाए उसकी ग्रैंड मदर के पास है ना और वो क्या करती है एल्बर्ट को कुछ पैसे भी देती है सम मनी टू फॉर हिज ग्रैंड मदर और सम फॉर हिज कि वो अपने पास रख पाए सिटी के अंदर कि मतलब वो सिटी में जा रहा है ताकि वो कुछ पैसे अपने पास रखे और स्पेंड कर पाए तो हिज मदर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि डू नॉट लूज मनी कि अपने पैसों को गुम मत करना और एक अच्छे बच्चे की तरह आगे अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंचा देना अल्बर्ट पिन द मनी इनसाइड हिज पॉकेट हिज मदर केम टू द स्टेशन एंड सेड गुड बाय टेक केयर एल्बर्ट सेट बाय मदर एल्बर्ट गॉट इन द ट्रेन अब क्या करती है जो उसकी मदर है वो उसको गुड बाय बोलती है और वो भी अपनी मदर को बाय मदर कह के वहाँ से चले जाते हैं सो इन द कंपार्टमेंट एल्बर्ट सो फोर पीपल वन वॉज अ मैन विद अ ब्लैक दैट हुम एल्बर्ट डिसलाइकड एट द नेक्स्ट स्टेशन ऑल द थ्री पीपल गॉट आउट एक्सेप्ट द ब्लैक हार्ट मैन अब यहाँ पे क्या देखता है कंपार्टमेंट के अंदर मीस ट्रेन होती है तो उसका एक जो बॉक्स होता है दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट सो एल्बर्ट देखता है कि वहाँ पे चार लोग होते हैं और वहाँ पर वन वॉज मैन विद अ ब्लैक हैट और एक जो बैठा हुआ है वो जिसकी हैट कैसी थी ब्लैक हैट के साथ तो एलबर्ट उसको डिसलाइक करता है तो नेक्स्ट स्टेशन पर जो थ्री पीपल्स होते हैं गॉट आउट और सिर्फ ब्लैक हैट मैन है वो वहीं पर बैठा रहता है

ट्रेन के अंदर क्या है ट्रेन के अंदर थोड़ा गर्मी हो गई थी तो एल्बर्ट और ब्लैक मैन वहीं पर बैठे हुए थे अकेले कंपार्टमेंट के अंदर तो एल्बर्ट जो चाहता था क्या कीप अवे कि वो उठा रहे सोए ना तो लेकिन एल्बर्ट जब सो गया और तब उसने उठकर देखा कंपार्टमेंट के अंदर तो उसके जो पॉकेट में पैसे थे अब वो वहाँ पर नहीं थे तो एल्बर्ट कहता है अपने आप से ही कि जो ब्लैक हेड मैन है डेफिनेटली ही स्टोल एंड माई मनी Albert got up and looked for the man. He saw that the man was getting out of the train. So Albert got out too. He followed the man and saw him go into the cafe. Albert felt very sad as he saw the man playing his money. तो क्या कर रहा है? अल्बर्ट देखता है, उठता है और जैसे ही वो ट्रेन के बाहर झांकता है तो वो क्या देखता है? He saw ki man was getting out the train. सो एल्बर्ट गो आउट टू वो भी साथ में उतर जाता है और वो फॉलो करता है उस मैन को और देखता है कि जो वो क्या करता है वो मैन कैफे के अंदर चला जाता है और एल्बर्ट वो देख के बड़ा दुखी होता है कि किस तरह से वो उसके पैसों के साथ खेल रहा है उसके पैसों को कहाँ पे किस तरह से खर्च कर रहा है जस्ट देन अ बॉय केम एंड स्पोक टू एल्बर्ट वट्स द मैटर सो बॉय जो है वो वहाँ पर आता है और एल्बर्ट से पूछता है कि क्या हुआ? तो एलबर्ट so बताता है उस बच्चे को कि मेरे पैसे जो उस व्यक्ति ने चुराए हैं उस मैन ने चुराए हैं तो आई वॉन्ट आई मस्ट गेट इट बैक और मुझे वो वापस चाहिए क्यों क्योंकि वो मेरे को अपनी ग्रैंड मदर को देने हैं तो वो सारी बातें किसको बताता है टोल द बॉय आई हेल्प यू सेट द बॉय हुज नेम एज पॉल यू कीप अ वॉच एट मैन एंड आई विल टेक आई कॉल अपॉन माई फ्रेंड्स पॉल रन ऑफ एंड सुन रिटर्न विद हिज फ्रेंड सो so, वो बॉय क्या बोलता है आई विल हेल्प यू कि मैं आपकी मदद करूंगा सो so, उस बॉय का नाम बॉय नेम इज पॉल यू कीप अ वॉच एट मैन एंड आई विल कॉल अपॉन माई फ्रेंड्स वो बोलता है आप इस पर नजर रखो और मैं आई विल कॉल अपॉन माई फ्रेंड्स मैं अपने दोस्तों को बुला कर लाता हूँ पॉल वहाँ से भाग जाता है और भागने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ वापस वहीं पर आता है Paul told a little boy

कॉल ट्यूजडे उसको क्या बोलता है ट्यूजडे टू गो होम कि घर जाओ एंड बी इन कॉन्टेक्ट और उसके कॉन्टेक्ट में रहना और फोन करते रहना तो बोल कहता है गिव यू ऑल द न्यूज़ और मैं तुम्हें सारी न्यूज़ साथ में देता रहूँगा सुन मैनी बॉयज अराइव एट द होटल वेन ब्लैक हेट मैन लेव द होटल अबाउट फिफ्टी बॉयज फॉलोअर्ड हिम डाउन द स्ट्रीट इफ़ यू वॉक स्लोली दे वॉक स्लोली इफ यू क्रॉस द बॉय दे क्रॉस द रोड एवरी वन इन द स्ट्रीट लोक एट द ब्लैक हैट मैन सो सभी क्या थे उस ब्लैक हेट मैन पर नजर रखे हुए थे अगर वो होटल से कब वापस आया जैसे ही रोड क्रॉस करता है तो ब्लैक हैट मैन तो सभी जो बॉयज़ होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसका पीछा करते हैं उसको फॉलोअप करते हैं और उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं और स्ट्रीट में भी उसको क्या करते हैं उसके पीछे वॉच करते हैं देखते हैं ब्लैक हैट मैन रैन इन टू द बैंक वो बैंक में जाता है और एलबर्ट अपने फ्रेंड से बोलता है थ्री ऑफ यू कि आप में से तीन यहीं पर रुको और तीन बैंक में क्या करो अदर्स वेट फॉर हिम देयर आउटसाइड यहीं पर रुको और तीन मेरे साथ आओ In the bank, the black hat man gave money to a man. Stop, shouted Albert. That's my money. No, it's my money, said the black hat man. Suddenly, the manager to the bank came out of his office. What's the matter? said the manager. He has stolen my money, said Albert. तो यहाँ बैंक में क्या होता है बैंक पे दोनों के बीच कम्युनिकेशन दोनों के बीच अगेंस्ट फाइट हो जाती है वो ब्लैक हेड मैन जैसे ही पैसों को वहां पर देता है तो एल्बर्ट शाउट करता है कि ये मेरे पैसे हैं डोंट गिव टू कि इसको किसी को भी नहीं देना है अचानक से मैनेजर जो होता है उनकी आवाज सुनकर बाहर आता है और पूछता है वर्समेट सो वॉय जो एल्बर्ट है ही हैज हैजोलन माई मनी सो एलबर्ट से दिस मैन हैज हैजोलन माई मनी can you prove this asked the manager yes i had pinned my money to my pocket. I'll have the pin marks on it," said Albert. Albert बोलता है कि हाँ मेरे जो पैसे हैं पॉकेट में उनके पास पिन है वो वो पिन किए हुए हैं और I'll have the pin marks on it. और मैंने उन पर पिन मार्क्स भी लगाया हुआ है The manager took the money and could see the little pin holes on it. Black hat man tried to run. बट द डोर manager कॉल द पुलिस अब जैसे ही पता चलता है ब्लैक मैन को कि रियल में जो उसके पास पैसे हैं इट्स ऑलरेडी पेंड तो वो क्या करने की कोशिश करता है वहां से भागने की लेकिन जो बच्चे बाहर थे डोर पर वो उसको पकड़ लेते हैं और तभी मैनेजर कॉल द पुलिस अप्रिशिएट करती है दैलट एल्बर्ट हिज मनी एलबर्ट थैंक हिज न्यू फ्रेंड्स एंड वेंट टू हिज ग्रैंड मदरस हाउस तो बैंक मैनेजर क्या करता है एल्बर्ट को पैसे दे देता है और एल्बर्ट थैंक करता है उस अपने नए नए दोस्तों को और अपने ग्रैंड मदर के हाउस चला जाता है दिस इज नॉट ऑल ब्लैक हेडमैन वॉज नोटोरियस थीफ एंड द पुलिस एल्बर्ट अ लॉट ऑफ मनी फॉर हेल्पिंग द पुलिस टू कैच हिम एलबर्ट टोल्ड हिज मदर द होल स्टोरी शी केम टू द सिटी हिज मदर इन्वाइटेड ऑल द बॉयज फॉर अ डिनर एल्बर्ट स्टोरी केम अप इन द न्यूज पेपर एंड एवरी वन गॉट टू न्यू अबाउट द ब्रेव बॉयज एंड कॉल दैम एलबर्ट एंड द डिटेक्टिव यहाँ पे जो उन्होंने किया कि वो अपनी ग्रैंड मदर के घर चला जाता है तो वहीं पर स्टोरी फिनिश नहीं होती क्योंकि ब्लैक मैन इज ए न्यूटोरियस थीफ वो कैसा था न्यूटोरियस मीन क्या होता है वेल नोन फॉर द बींग बैड मतलब लोगों का ज्यादा से ज्यादा बुरा करने वाला इंसान है ना न्यूटोरियस था वो एक जाना माना चोर था और एल्बर्ट ने उसको पकड़ाने में उसको पकड़वाने के लिए पुलिस की बहुत हेल्प की इस वजह से उसको क्या दिया गया वहाँ पर उसको इनाम भी दिया गया और हिज मदर इन्वाइटेड ऑल द बॉयज फॉर डिनर और उसकी मम्मी ने भी क्या किया जितने भी बॉयज थे जिन्होंने उसकी हेल्प की थी उनको डिनर पर बुलाया और स्टोरी केम अप इन द न्यूज़पेपर जो स्टोरी थी वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गई सो एवरी वन अब क्या नाम आया एल्बर्ट को क्या बोला गया एल्बर्ट एंड द डिटेक्टिव जो उसके फ्रेंड्स थे इट्स कॉल्ड द डिटेक्टिव एंड एल्बर्ट and the detective so this is a story based on albert and the detective so please watch out this story and read carefully so thank you for watching students